नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अनूपपुर में एक लूट का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने कार चालकों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हॉकी से कार में तोड़फोड़ भी की है। थाना जैतहरी के वेंकटनगर चौकी अंतर्गत ग्राम कदमसरा के पास दोपहर करीब 3 बजे स्कॉर्पियो में सवार 4 बदमाशों ने रायपुर से बुढ़ार जा रहे कार को ठोकर मारी और फिर कार के आगे स्कॉर्पियो खड़ी कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने हॉकी से कार की तोड़फोड़ की और बंदूक दिखाकर ड्राइवर समेत कार में सवार 3 लोगों से लाखों के सामान लेकर फरार हो गए। वहीं घटना को देख आसपास के लोगों ने हल्ला करते हुए बदमाशों की ओर दौड़ना शुरू किया। तभी बदमाशों ने कीमती सामान लेकर स्कॉर्पियो से रवानगी डाल दी। जानकारी के अनुसार कार में सवार 3 लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आईं, लेकिन कार में रखे कीमती सामान को हमलावर उठा ले गए, जिसमें नीले कलर के बैग में चांदी के 6 बेल्ट, चांदी की 2 थाली, चांदी का 4 लोटा और 50 ग्राम सोने की 2 चूड़ी, चांदी की आरती और लगभग 10 नग सोने की अंगूठी, सोने के 1 ग्राम चैन के टुकड़े और कान के झुमके सहित बैग में रखे 10,000 रुपये भी शामिल थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद वेंकटनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्यवाही शुरू कर दी है।